चंबल DPRO ने जारी किया फरमान। अफसरों के निरीक्षण में गाँव में गंदगी पसरने और जलभराव की शिकायत आने पर प्रधान और सफाई कर्मी के खिलाफ होगी कार्यवाही। लापरवाही पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की 2 अप्रैल से हो रही शुरुआत पर संबल जिले के DPRO जाहिद हुसैन ने जिले भर की ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए कि 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। नियंत्रण एवं वेक्टर जनित रोगों को रोकने के लिए पूरे जनपद में समस्त ग्रामों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान कल 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा, जिसमें समस्त सफाई कर्मचारियों, ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम प्रधानों, सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाए। जहां मच्छर हैं वहां पे एंटी लार्वा डलवाया जाए, तालाबों की सफाई करा के उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव हो। इसके अलावा फॉगिंग कराई जाए, नियमित रूप से फॉगिंग कराई जाए प्रत्येक गांव में, एवं जो कूड़े के ढेर हैं उनको कहीं ऐसे स्थान पर डलवाया जाए जहां पर कि उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके, कहीं भी जलभराव ना रहे। यदि उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के समय किसी ग्राम पंचायत में गंदगी पाई गई, जलभराव पाया गया या वहां पर सफाई का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हुआ, फॉगिंग नहीं कराई गई है, एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है, तो ऐसे सभी संबंधित कर्मचारियों और ग्राम प्रधान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।